बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं नौवीं कक्षा की जिस देश में गंगा बहती है। ठीक है, उससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। जिस देश में गंगा बहती है कविता का जो गीतकार है शैलेंद्र कुमार। ठीक है बच्चों, जिस देश में गंगा बहती है गीत के गीतकार है शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 में हुआ। इनका असल नाम शंकरी दास केसरी लाल है। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों के गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका देहांत 1966 में हुआ है। ठीक है बच्चों, इसे अपने नोट्स में भी लिखें। बच्चों, अब हम जिस देश में गंगा बहती है गीत को गाएंगे एक बार। ठीक है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। महमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, महमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, महमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा नदी भारत देश की एक प्राचीन और पवित्र नदी है, इसलिए भारत को गंगा नदी बहने वाला देश भी कहते हैं। गंगा नदी से भारत की पहचान है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक जिस देश में गंगा बहती है शीर्षक लगाया गया। इसका अर्थ होता है जिस देश में गंगा बहती है वह देश भारत देश है। तो सारी दुनिया यह जानती है कि गंगा नदी बहने वाला देश ही भारत देश है। ठीक है बच्चों, अब इस कविता के शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। मैं भी शब्दार्थ पढ़ाऊंगा, मैं भी दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला शब्द है ओंट। होट, होट का अर्थ है ओस्ट। देखे वहां पैदा बोलू। ठीक है, अब है सच्चाई, ईमानदारी, निजायती। यह व्यक्ति बहुत ईमानदारी व्यक्ति है, मैं भी। दूसरा अर्थ है सफाई। सफाई का अर्थ है
स्वच्छता दिल मन हृदय हृदयम मनसु अब है जान जान का अर्थ है प्राण प्राणम थोड़ा कुछ एकम कुंता कुंतलोने अब है ज्यादा ज्यादा का अर्थ है अधिक एक्वा मेहमान मेहमान अतिथि ये देखो यह हमारा मेहमान है हाँ अब मिलजुल कर एक साथ कलसी मेलसी अब है लालच लालच का अर्थ है अत्याश ग्रीडी दुराशा वहां देखे किस तरह ललचा रहा है पैसों के लिए हाँ इसे कहते हैं लालच बच्चों अब इन शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए ठीक है अपने नोट्स में लिखें अब हम इस गीत का सारांश पढ़ेंगे तो इसमें पहले चार पंक्ति का सारांश भाव इस प्रकार है भारत एक प्राचीन नदियों वाला देश है और भारतवासी उत्तम गुण वाले होते हैं भारतीयों के होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है और उनके दिलों में सफाई रहती है हम गर्व से कहेंगे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ఇప్పుడు మనం భావాన్ని తెలుగులో నేర్చుకుందాం పిల్లలు భారతదేశం ఎంతో పవిత్రమైన నదులను కలిగిన దేశం మరియు భారతీయులంతా ఉత్తమ గుణవంతులు భారతీయుల యొక్క పెదాలపైన ఎప్పటికీ కూడా సత్యమే ఉంటుంది అలాగే వారి హృదయాల్లో కూడా ఎప్పటికీ స్వచ్ఛత ఉంటుంది అందుకే మనమందరం గర్వంగా చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే మనం ఏ దేశవాసులం అంటే ఆ దేశంలో గంగా ప్రవహిస్తుంది అది ఏ దేశం అంటే భారతదేశం మనం అందుకే గర్వంగా భారతీయులమని చెప్పాలి బచ్చో అబ్ దూసరే చార్ పంక్తియోం కా భావ్ ఇస్ ప్రకార్ హై కి భారతీ అతిథి సత్కార్ కో అధిక్ మహత్వ దేతే హై అతిథియోం కా సత్కార్ కర్నా अपना भाग्य मानकर अपने प्राण से ज्यादा महत्व देते हैं भारतीयों को अधिक कमाने की लालच नहीं होती है और उन्हें जो कुछ मिला उसी में तृप्त होकर जीवन करते हैं ठीक है सरे पिल्ललु इप्पुडु मनं तेलुगुलो नेर्चुकुंदां भारतीयुलु अतिथि सत्कारानिकि अधिक प्रामुख्यतनिस्तारु భారతీయులు అతిథుల్ని సత్కరించడం వాళ్ళ అదృష్టంగా భావిస్తారు అందుకే అతిథుల్ని వాళ్ళ ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటారు అలాగే భారతీయులకి ఎక్కువగా సంపాదించాలనే దురాశ కానీ అత్యాశ కానీ ఉండదు వారి దగ్గర ఎంత ఉన్నా అంతలోనే చాలా సంతృప్తిగా జీవనం గడుపుతారు ఇది భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం అబహం तीसरी चार पंक्तियों का भाव पढ़ेंगे बच्चों भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है भारतीय मिलजुल कर रहने का और एक दूसरे प्यार से रहने का संदेश देते हैं इसलिए हम सब गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీక భారతీయులంతా ఒకరికొకరు కలిసి ఉండేలా ఒకరికొకరు ప్రేమగా ఉండేలా ఉండేటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తుంటారు అందువల్ల
మనం భారతీయులం గర్వంగా చెప్పదలిచింది ఏంటంటే, మనం ఏ దేశవాసులం అంటే ఏ దేశంలో అయితే గంగానది ప్రవహిస్తుందో మేము ఆ దేశవాసులం, అంటే అదే మన భారతదేశం. అర్థమైందా? ఠీకే బచ్చా, అభిషేక్ నే నోట్స్ మే లిఖే ఆర్ అచ్చా పడే, ధన్యవాద్.